वेलकम बैक टू माय चैनल एजेडी ब्लॉग्स। आप लोग कैसे होप से भी अच्छे होंगे। सो आज है दुर्गा पूजा, सो हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। एंड आज मैं जा रहा हूँ पूजा देखने के लिए और सोच रहा हूँ कि मतलब मैंने पहले गोलपारा में जो पूजा है, हमारे टाउन में जो पूजा होता है दुर्गा पूजा, आप लोग को मैंने नहीं दिखाया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को आज दुर्गा पूजा थोड़ा दिखा दूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और जो छोटे भाई लोग हैं उन लोग के साथ निकलेंगे, फिर उन पूजा को मिलते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे पूजा देखने के लिए। चलिए, सो गाइस निकल चुके हैं घर से और अभी हम यहाँ पर चार है, पीछे उदयपा एस एस ब्लॉक सेंद्री और ये दो लाइट का काम कर रहे हैं, लाइट मैन अभी, क्योंकि यहाँ पर लाइट कम है इसलिए बेचारों को मतलब लाइट के काम के लिए उधर लगा दिया उन लोगों को। और बाकी दो सार आगे चले गए, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आप लोग को आज दिखाएंगे ग्वालपारा, हमारे ग्वालपारा टाउन में दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन। इस साल इतना ज्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी जितना कुछ हो सकता है आप लोग को दिखाऊंगा। कितना पूजा कवर कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अभी चलते हैं और आप लोग एंजॉय करिए हमारे ग्वालपारा टाउन का दुर्गा पूजा। और ये है पूरा गैंग और दो उधर दुकान पे गया है कुछ लेने के लिए। तो अभी चलते हैं अंडर, जो हमारा दुर्गा मंदिर पूजा मंडप है, और आप लोग को प्रतिमा दिखाएंगे। चलिए, ये देखिए रोटी खा रहे गर्मी में, अकेले अकेला खा लिया, हमको दिल से बुरा लगा, बहुत दिल के गहराई से बुरा लगा हमको कि तुमने हम अकेले अकेले रोटी खा रहे हमारे लिए नहीं। ये भाई भाई का रिश्ता है। चुके हैं बापूजी नगर पूजा मंडप पे, अंदर चलते हैं और यहाँ का भी प्रतिमा दिखाते हैं आप लोगों को। ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन पैंडल, पहुंच चुके हैं बेलटोला पूजा मंडप। यह है बेलटोला पूजा और यहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोरेशन के आप लोग को दिखाएंगे, पहले प्रतिमा को दिखा के आ जाते हैं। और अभी पहुंच चुके हैं नेपाली मंदिर, यह है नेपाली मंदिर का पूजा और यह है प्रतिमा। और यहाँ पर लोग थोड़ा ज्यादा है और इधर लेफ्ट साइड पे हमारा, इधर इस साइड पे है हमारा डीसी ऑफिस। तो अभी आ चुका हूँ ग्वालटोली में, यह है ग्वालटोली पूजा मंडप और यहाँ का भी प्रतिमा दिखा रहे थे आप लोग को। लगलो दोला काशे बोने हीमेल शरोतने। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं बोरपोखरी पूजा पर, ये हमारा बोरपोखरी पॉइंट, ये हमारा बोरपोखरी पार्क। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को प्रतिमा। लगलो दोला काशेर बुने हीमेल शरोतने सृष्टि चावा पावा अट्टा सप्तमीता। पहुंच चुके हैं अभी हरिसभा पूजा मंडप पे और अंदर जाके आप लोग को प्रतिमा भी दिखा देते हैं। तो पहुंच चुके हैं अभी गौरी समिति पूजा मंडप, यह हमारा ब्रह्मपुत्र साइड सामने, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर सामने ही है, यहाँ का भी प्रतिमा दिखा देते हैं आप लोगों को। फाइनली पहुंच चुके हैं शौक बाजार और सबसे अच्छा डेकोरेशन यहीं पर ही किया है, अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं शौक बाजार का पूजा मंडप। ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে আসছে বছর আমার হবে এক সুরে সুর पहुंच चुके हैं अभी काली बारी पूजा मंडप, चलते हैं अंदर। आलिंगने विजयर विसर्जने ओ आस्ते बछर आबार होबे एक सुरे सुर मिलिए बछर बछर ए भावे हे तोमार
चुके हैं अभी एक नंबर कॉलोनी। ये एक नंबर कॉलोनी का पूजा, ये पहले से मंदिर है यहाँ पर। आप लोग को थोड़ा प्रतिमा दिखा रहे थे। एंड एट द एंड तिलापरा पूजा मंडप, ये लास्ट है, ये आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अभी लास्ट में आप लोग को दिखा दिया तिलापरा का पूजा, और अभी तिलापरा में हूँ। अभी और पूजा मतलब नहीं दिखाऊंगा, जितना हो सका उतना सारा पूजा मैंने कवर किया, और बहुत सारे पूजा 50 से भी है वो पूजा होता है हमारे गोलपुरा टाउन में। इतना सारा पूजा दिखाने के तो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो कुछ भी हुआ मेरे से उतना आप लोग को दिखा दिया। और इस साल इतना डेकोरेशन नहीं हुआ क्योंकि आप लोग को पता है कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारे रूल ये है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए उसकी वजह से इतना अच्छा डेकोरेशन भी नहीं हुआ इस साल। लेकिन हल्का सा सिर्फ सौक बाजार में सबसे अच्छा लगा डेकोरेशन। अभी यहाँ पर मैं एक छोटा भाई को मिल गया, कृष्णा, हम ऐसे मतलब प्यार से हमको बोलते हैं पुकू। जब छोटा था तो हम लोग बहुत साथ में बहुत सारे क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे हम लोग। मतलब हमारे मेरे दो घर है, मेरे घर के पास ही रहते हैं, मतलब इसका घर पहले आता है उसके बाद मेरे घर में आता है। हेलो, हैप्पी पूजा, हैप्पी पूजा सबको, हैप्पी पूजा। एंड कैसा है? एकदम ठीक। गोलपुरा में कब है? गोलपुरा में हो गया 2 दिन। अच्छा, चलो अच्छा है, बहुत दिन के बाद मिले, ऐसे गुवाहाटी में पड़ता है तो इतना ज्यादा मतलब मिलने का मौका नहीं मिलता है। Happy Puja.